हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, लाइक हाउ टू अटैच योर कार विद ओला कैब्स। तो बेसिकली आप सभी लोगों ने एक तरह से ओला कंपनी के बारे में सुना होगा थ्रू द टीवी एड्स वगैरह, और इवन एक तरह से आप ओला की ऐप वगैरह भी जो है एक तरह से यूज़ लेते होंगे राइड्स वगैरह के लिए, करेक्ट। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि आप अपनी खुद की कार को भी एक तरह से ओला के साथ में कैसे अटैच कर सकते हैं, और साथ में एक तरह से एक हैंडसम मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आइए ओला कंपनी के बारे में जानते हैं एक तरह से कि ओला कंपनी है क्या, राइट। तो बेसिकली ओला कंपनी जो फाउंडेड इन दिसंबर 2010 में इसकी एक तरह से शुरुआत हुई थी बाय द भाविश अग्रवाल, जो कि एक तरह से एंटरप्रेन्योर है। उनके साथ में उनके एक को फाउंडर थे अंकित भाटी। तो उन लोगों ने जो एक तरह से एक ऐप के थ्रू स्टार्टिंग के अंदर एक तरह से एज ए ओला कैब्स की जो है स्टार्टिंग की थी। उसके पहले एक तरह से जो है एक उबर ब्रांड है जो ऑलरेडी अदर कंट्रीज़ के अंदर रन कर रहा था, जो अभी रिसेंटली जो एक तरह से इंडिया के अंदर एंटर हुआ है और ओला के साथ में कम्पीट कर रहा है, राइट। अगर हम लोग ओला के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो इसका वैल्यूएशन मोर देन $5 बिलियन है इन द सेप्टेम्बर 2015। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ग्रोइंग कंपनी, कितनी ग्रोइंग फास्टेस्ट कंपनी है, और ये इंडिया की टॉप 10 एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स के अंदर भी आता है। और अगर हम लोग ओला कैब्स की बात करें तो अभी तक इसके साथ में मोर देन 2 लाख कार्स जो है एक तरह से अटैच हो चुकी है, और इन द नवंबर 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो है 85 सिटीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहा था। तो ऑब्वियसली है इंडिया 2016 ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है एक तरह से लोगों के लिए जो अपनी कार को एक तरह से जो ड्राइवर्स है, कैब ड्राइवर्स हैं, या फिर एक तरह से जो नॉर्मल पीपल हैं जिनकी कार जो है बहुत ज़्यादा काम में नहीं आती है, राइट। एक तरह से अपनी पर्सनल कार को भी एक तरह से आप ओला कैब्स के साथ में एक तरह से अटैच करके एक तरह से हैंडसम मनी जो है अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओला के साथ में गाड़ी को अटैच करने से पहले हम लोग जानते हैं कि हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम द ओला कैब्स, राइट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया एक तरह से, तो हम लोग मोस्टली एक तरह से क्योरा पे कुछ यूज़र्स हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि क्योरा एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे यूज़र अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं ऑन द क्वेश्चन 38, राइट। तो वहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली एक तरह से ओला जो कंपनी है वो एक तरह से 10% कमीशन लेती है ऑन द टोटल बिलिंग अमाउंट, और इसका जो कमीशन है वो ऑटोमेटिकली इसकी जो ऐप है, जो ड्राइवर्स की जो ऐप है, वो एक तरह से कैलकुलेट करके आपको देती है। इवन इसके अलावा एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओला एक तरह से आपको बोनस भी प्रोवाइड करता है। जो बेसिकली पिक आवर्स होते हैं उसके अंदर एक तरह से ओला कंपनी आपको बोनस भी प्रोवाइड करती है, राइट। तो इसकी एक तरह से 3 टाइप की बोनस स्कीम है, लाइक बोनस ऑन द पिक आवर्स, वैन एवर यू कंप्लीट एनी राइड ऑन द पिक आवर्स देन यू विल बी रिवार्डेड 250 INR टू योर अकाउंट एज ए बोनस, एंड इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू कंप्लीट राइड ऑन पिक आवर्स। तो एक तरह से अगर आप पिक आवर्स के अंदर कोई भी राइड वगैरह कंप्लीट करते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर एक तरह से 250 रुपीज़ पर राइड एक तरह से क्रेडिट हो जाता है, राइट। उसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं किसी एक तरह से राइडर को, एक तरह से उस टाइम पे 800 रुपीज़ एक तरह से आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं। उसके अलावा जो ओला जो है एक तरह से आपकी 12 राइड्स कम्प्लीट करने पर एक तरह से आपको बोनस प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द 4,500 रुपीज़, राइट। सो इनकी जो बोनस स्कीम है वो एक तरह से स्टेट वाइज एक तरह से वैरी भी हो सकती है, क्योंकि ओला के काफ़ी ऑफिसेज वगैरह हैं, प्लस एक तरह से ओला के जो है एक तरह से रीजनल ऑफिसेज है जिनकी अलग अलग पॉलिसीज रहती है, तो आप उनके थ्रू एक तरह से ओला की क्या स्कीम्स है, राइट, क्या अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जो कि एक तरह से ओला कैब्स के साथ में अपनी गाड़ी को अटैच करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है कॉमर्शियल कार, मीन्स आपके पास में कोई गाड़ी होनी चाहिए जो कि एक तरह से कॉमर्शियल होनी चाहिए, राइट। अगर आपकी अपनी खुद की पर्सनल कार है तो भी एक तरह से आप अपनी कार को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द कॉमर्शियल कार। तो इसके लिए एक तरह से आपके पास में मेनली 2 ऑप्शन प्रोवाइडेबल होते हैं एक तरह से, या तो आप कोई ब्रांड न्यू कार खरीदे मोस्टली फॉर द अटैचिंग योर कार विद द ओला, राइट, या फिर सेकेंड ऑप्शन है एक तरह से आप जो है एक तरह से कोई गुड कंडीशन ओल्ड जो कार होती है उसको एक तरह से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी जो कार है वो एज ए कैब जो है फिट बैठनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ओला कैब्स में जब आप अपनी गाड़ी को अटैच करते हैं तो ओला के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी आपकी गाड़ी की एक तरह से कंडीशन को चेक करते हैं। अगर आपकी गाड़ी उनकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक तरह से मैच करती है तभी एक तरह से आप एलिजिबल हो पाते हैं अपनी गाड़ी को ओला के साथ में अटैच करने के लिए, राइट। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड स्टेप की, दैट इज़ अबाउट द ड्राइवर।
तो बेसिकली एक तरह से यहाँ पे भी आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी गाड़ी जो है एक तरह से खुद जो है एक तरह से चला सकते हैं, राइट, या फिर किसी ड्राइवर को एक तरह से सैलरी बेसिस पे हायर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि एक तरह से ओला कैब्स जो है वो एक तरह से ड्राइवर्स नहीं प्रोवाइड करता है, ड्राइवर्स वगैरह सारे सारे आपको मतलब एक तरह से खुद ही अरेंज करने पड़ते हैं, राइट। तो आपको हमेशा ऐसे एक ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा जो कि इसकी एक तरह से ड्राइविंग स्किल गुड हो और उसके पास में एक तरह से कॉमर्शियल लाइसेंस हो, राइट। और इवन अगर मैं आपको इंटरनेट पर बताऊँ तो एक तरह से योर स्टेट पर एक आर्टिकल भी दिया हुआ है, लाइक हाउ टैक्सी एग्रीगेटर लाइक ओला एंड उबर आर द ब्रिंगिंग माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप टू द स्टूडेंट्स। तो एक तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कार्स को एक तरह से खुद भी चला रहे हैं, एक तरह से हैंडसम मनी अर्न कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है मंजुरा मिस्टर जो कि एक तरह से स्टूडेंट है जो कि अपनी गाड़ी एक तरह से रन कर रहे हैं, राइट। तो और देखिए यहाँ पे एक सेकेंड स्टूडेंट भी है। तो काफ़ी सारे एक तरह से स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर और एक तरह से जो कैब ड्राइवर्स हैं जो अपनी गाड़ी को एक तरह से खुद ही रन कर रहे हैं, राइट। अब मैं बात करना चाहूँगा थर्ड स्टेप की, दैट इज़ अबाउट द सम लीगल थिंग्स, करेक्ट। क्योंकि एक तरह से अगर आपको इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको अपना एक तरह से कैब बिजनेस भी खुद का स्टार्ट करना है विदाउट द अटैचिंग योर कार विद द ओला, राइट, उसमें भी एक तरह से आपको एक कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स रहेगी, कुछ लीगल लाइसेंसेज रहेंगे जो कि एक तरह से आपको चाहिए होंगे। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप जो थर्ड है वो एक तरह से अबाउट द लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मीन्स एक तरह से अगर आपको इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस एक तरह से स्टार्ट करना है तो आपको एक तरह से एक लीगल एंटिटी सेटअप करनी पड़ेगी, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो एक तरह से जो लीगल एंटिटी है वो एक तरह से आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका विजन क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल स्टार्टिंग के अंदर एक तरह से अगर आप ओला कैब्स को सिर्फ ओला कैब्स के लिए एक तरह से आप कैब बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं, राइट, और अपने आइडियाज़ वगैरह को कैब बिजनेस के अंदर टेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट रहता है एक तरह से आप सोल प्रोप्राइटरशिप को फर्म को चूज़ करें, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ओनली 1% की रिक्वायरमेंट रहती है और एक तरह से जो टैक्सेशन वगैरह है वो भी एक तरह से स्लैब बेसिस पे चलता है तो आपको टैक्स वगैरह भी एक तरह से कम प्रोवाइड करने पड़ते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई पार्टनर्स वगैरह हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म या एक तरह से LLP या प्राइवेट एंड कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर आपका लॉन्ग टर्म विजन है एक तरह से कैब कंपनी एज ए सेटअप लाइक द ओला कैब्स एंड द उबर, राइट, तो एक तरह से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी एक तरह से चूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक का आपका विजन क्या है और एक तरह से अगर आप अपने आइडियाज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट रहता है आप सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करें। फिर इन द फ्यूचर जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, जैसे लेट्स सपोज अगर आपने 3-4 कैब्स कंपनी के साथ में अपनी गाड़ी को अटैच करा रखा है, राइट, और आपकी कार्स भी इंक्रीज होती जा रही है तो एक तरह से आप सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं, राइट। अब मैं बात करूँगा स्टेप फॉर की, दैट इज़ अबाउट द टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो एक तरह से कैब कंपनी के अंदर एक तरह से आपको एक टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सो टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली एक तरह से जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए रिक्वायर होता है, राइट। तो एक तरह से अगर आप ओला कैब्स के साथ में अपनी गाड़ी को अटैचिंग करते हैं या सिंपली एक तरह से अपना आप अपना कैब बिजनेस भी एक तरह से रन कर रहे हैं तो आपको एक तरह से एक टैक्स की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इंडिया के अंदर बेसिकली एक तरह से आपको एज ए इनडायरेक्ट टैक्स लाइक सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में एक तरह से आपको एक सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है जो कि एक तरह से कुछ स्टेट के अंदर ओला कैब्स के जो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक तरह से आपको मांगते हैं, राइट। एंड द सेकेंड लाइसेंस इज दैट इज अबाउट द शॉपेक लाइसेंस एंड द गुमस्ता लाइसेंस। तो एक तरह से क्या होता है कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी आपको सिंपल बिजनेस स्टार्ट करना है तो इनिशियल जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक तरह से शॉपेक लाइसेंस होती है ताकि एक तरह से किसी भी बैंक के अंदर जाके आप एक अपनी अपनी फर्म के नाम पे जो है एक तरह से लाइसेंसेस के बेसिस पे करंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकें। जो गुमस्ता लाइसेंस है ये जो टर्म जो है एक तरह से महाराष्ट्र के अंदर यूज़ होती हैं तो इसको एक तरह से आप जो अदर स्टेट है लाइक दिल्ली है या अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक तरह से शॉपेक लाइसेंस कहा जाता है और महाराष्ट्र है गुजरात है यहाँ पे एक तरह से गुमस्ता लाइसेंस जो है एक तरह से ये टर्म यूज़ की जाती है। इवन अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर इसको एक तरह से ट्रेड लाइसेंस भी कहा जाता है। तो एक तरह से जो टैक्स रजिस्ट्रेशन है उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है। जो स्टेप फाइव है नाउ टॉक अबाउट द व्हीकल डॉक्यूमेंट्स कि आप अपनी जो गाड़ी अटैच कर रहे हैं उसके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट है, राइट। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तरह से इनिशियल जो है एक तरह से वैलिड आपके पास में आरसी बुक होनी चाहिए या कार्ड्स होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा आपका जो गाड़ी है उसका एक तरह से एक प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। उसके अलावा एक तरह से आपके पास में एक फिटनेस सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, आपके पास में सारी टैक्स रिसिप्ट होनी चाहिए लाइक द रोड टैक्स। उसके साथ में आपके पास में अगर आप टूरिस्ट एक तरह से आपके पास में अगर परमिट है तो वो भी एक तरह से एक रिकॉर्ड रहता है, राइट।
इसके अलावा जो ऑपरेटर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कुछ केसेस में आपको ड्राइवर एक तरह से हायर करना पड़ता है राइट, और जो गाड़ी का जो मालिक होता है वो कोई और होता है, तो उस केस में अगर आपको ओला के साथ में एक तरह से अपनी गाड़ी को एक तरह से अटैच करनी है, तो अपनी ऑनरशिप के लिए एक तरह से आपको पैन कार्ड वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है, प्लस चेक एंड द बैंक स्टेटमेंट कॉपीज राइट, उसके साथ में आपको एड्रेस प्रूफ और एक तरह से अपना जो आप जहाँ से बिजनेस करेंगे एक तरह से वहाँ का कोई एग्रीमेंट चाहिए होता है। इवन जो ओला कैब्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरह से आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं जिसमें सारी पे आउट पॉलिसी भी एक तरह से मैंशन रहती है। नाउ टॉक अबाउट द स्टेप द 7 कि ड्राइवर्स के एक तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर मैं ड्राइवर्स के डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मेनली जो जो रिक्वायरमेंट है वो एक तरह से अबाउट द 3 लाइसेंस, दैट इज द ड्राइविंग लाइसेंस जो कि एक तरह से कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए होना चाहिए, उसके साथ में एक तरह से एक लोकल एड्रेस प्रूफ चाहिए, और साथ में एक तरह से पुलिस का एक तरह से वेरिफिकेशन भी होना चाहिए फॉर द ड्राइवर राइट। एंड अब बात करते हैं एक तरह से साइनअप प्रोसीजर क्या है कि आपको एक तरह से अगर ओला के साथ में अपनी गाड़ी को अटैच करना है तो आप ओला को एक तरह से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके एक तरह से दो रास्ते हैं, एक तरह से एक ऑफलाइन ऑनलाइन मोड है और एक तरह से एक ऑफलाइन मोड है राइट। तो बेसिकली अगर आप ऑनलाइन एक तरह से एक ओला को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओला की जो पार्टनर जो वेबसाइट है आपको उस पर जाना पड़ेगा, वेबसाइट का नीचे लिंक है लाइक partner.olacabs.com, तो आपको इस लिंक पे जाके एक तरह से साइनअप करना पड़ेगा। मैं आपको एक तरह से एक प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ, लाइक आप सबसे पहले गूगल में जाइए और सिंपल से टाइप कीजिए पार्टनर ओला कैब्स राइट, तो सबसे पहले आपके सामने एक लिंक खुल जाएगी partner.olacabs.com लॉगिन राइट। तो आप इस लिंक पे जैसे ही एक तरह से एंटर होते हैं तो उसके बाद में एक तरह से आपके पास में जो एक तरह से आपको क्या क्या पर्क्स सॉरी आपको एक तरह से सेकंड लिंक्स पे आना है राइट। ये देखिए ये जो है ओला का एक तरह से लैंडिंग पेज है और यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई है लाइक यू कैन अर्न 1 लाख रुपीज़ पर कार राइट। एंड उसके साथ में सारी जो कुछ FAQs वगैरह हैं वो भी साथ में यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको एक तरह से ओला के साथ में अपनी गाड़ी को अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स फाइल करनी पड़ती है राइट, उसके साथ में आपको यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स देने पड़ते हैं और अपनी सिटीज़ को एक तरह से आपको प्रॉपर, ये देखिए ओला जिन जिन सिटीज़ के अंदर ऑपरेट्स करता है वो यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट दी हुई है कि एक तरह से वो किन किन सिटीज़ के अंदर भी ऑपरेट कर रहा है करेक्ट। तो आपको सिटीज़ के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद में ओला की जो रिप्रेजेंटेटिव की जो टीम है वो एक तरह से आपको ऑफिशियली कॉन्टैक्ट करती है राइट। उसके बाद में एक तरह से सेकंड जो ऑप्शन है वो एक तरह से ऑफलाइन प्रोसेस है कि एक तरह से आप जो है ओला के ऑफिस पे एक तरह से विजिट कर सकते हैं राइट। तो इवन एक तरह से आपको ओला का जो ऑफिस है वो एक तरह से सर्च मारना पड़ेगा, आप सिंपली एक तरह से गूगल के अंदर जाके एक तरह से आप ओला का ऑफिस सर्च मार सकते हैं राइट। इन द सम केसेस लाइक अगर आप बॉम्बे वगैरह की बात करें लाइक बॉम्बे ओला ऑफिस, तो सिंपली जो गूगल पे जो एक तरह से लिस्टिंग होती है गूगल मैप्स पे, तो उनके थ्रू एक तरह से आप जो है सर्च मार सकते हैं। ये देखिए ANI टेक्नोलॉजीज, ये ओला की ऑफिशियल कंपनीज़ का नाम है ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और एक तरह से आपको यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है राइट। तो बेसिकली इस तरह आप हर सिटी में एक तरह से जस्ट डायल के थ्रू सुलेगा या फिर जो भी एक तरह से जो डायरेक्टरीज है उनके थ्रू एक तरह से आप जो है एड्रेस पता कर सकते हैं। इवन आप गूगल मैप्स पे भी एक तरह से डायरेक्टली सर्च मार सकते हैं कि ओला का ऑफिस एक तरह से कहाँ है राइट। उसके अलावा एक तरह से अगर हम लोग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में पता करें कि एक तरह से जब ओला जब कॉन्टैक्ट कर लेता है तो उनका एक तरह से प्रोसीजर क्या रहता है, तो सबसे पहला जो प्रोसीजर रहता है वो एक तरह से ओला कैब्स की जो रिप्रेजेंटेटिव टीम है वो एक तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एक तरह से वेरीफाई करेगा, उसके बाद में एक तरह से आपकी कार जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंस्पेक्शन भी करेगा आपकी कार्स की, आपके ड्राइवर की ऑडिट करेगा, अगर उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर वो मीट होता है तभी एक तरह से आप एलिजिबल हो आगे की प्रोसेस के लिए। उसके बाद में एक तरह से ओला की जो टीम है वो एक तरह से ड्राइवर को जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है राइट, कि आप अपने एक तरह से किस तरह जो एक तरह से आपको रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करनी है, एक तरह से आपको ये ऐप कैसे चलाना है राइट, आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक तरह से ओला की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरह से ड्राइवर को हेल्प करते हैं। साथ में जैसे मैंने एट द एंड बताया था कि आपको कि ओला जो कैब्स है वो एक तरह से ऑफिशियली आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है बिटवीन द लाइक, और साथ में आपको डिवाइस देता है उनका जो ऐप है वो इंट्रीगेट करके देता है आपके मोबाइल ऐप्स में राइट। और एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती है कि एक तरह से पे आउट की पॉलिसी क्या रहेगी राइट, और एक तरह से क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी करेक्ट।
तो अब मैं बात करता हूँ कॉन्क्लूजन की, कॉन्क्लूजन की एक तरह से कि आपको अपनी गाड़ी को ओला के साथ में अटैच कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप है आपके पास में कार होनी चाहिए, प्लस उसके साथ में आपके पास में ड्राइवर भी होना चाहिए, राइट। एंड द सेकेंड स्टेप इज आपके पास में कुछ लीगल चेकलिस्ट होनी चाहिए, राइट। लीगल जो चेकलिस्ट है लाइक द रिगार्डिंग, सबसे पहले आपको एक लीगल एंटिटी जो है सेटअप करनी पड़ेगी, साथ में आपको अपने ड्राइवर के जो ऑपरेटर जो मालिक है गाड़ी का, प्लस व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तरह से पूरी तरह प्रॉपर होने चाहिए। उसके पास में आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप एक तरह से ओला कैब्स की जो पार्टनर वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करके एक तरह से आप साइन अप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ओला के ऑफिस भी जा सकते हैं। इसके साथ में आपको कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स भी बताना चाहूँगा कि एक तरह से अभी एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ओला ऊबर एंड ओला ड्राइवर्स अर्न अप टू द 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। सो बेसिकली ऑब्वियसली अगर किसी न्यूज़ ने एक तरह से ये स्टोरी पब्लिश की है तो ऑब्वियसली ये एक तरह से ट्रू होगी। इवन क्योरा पे भी एक तरह से एक थ्रेड है जहाँ पे एक तरह से एक मानन गुप्ता करके जो यूज़र है उन्होंने पूरी अपनी जर्नी जो है शेयर की है कि ओला कैब्स के एक तरह या उबर है उनके जो ड्राइवर हैं वो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कैसे अर्न कर रहे हैं, राइट। तो अगर जैसे एक तरह से अगर आपके पास में एक तरह से टोयोटा इनोवा कार है द दिल्ली न्यू दिल्ली, राइट, तो वहाँ पे भी आप इजीली एक तरह से 1 लाख रुपीज़ जो है पर मंथ आप कैसे अर्न कर सकते हैं, राइट। सो होप आपको ये वीडियो एक तरह से अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड सॉरी आई गिव माई द इंट्रोडक्शन, माई नेम इज़ द देव पटेल एंड आई एम हेयर बिकॉज ऑफ द अवर कंपनी माई ऑनलाइन सी ए मेड लीगल एट योर फिंगर टिप्स। यू कैन मेल अस एट मेल एट द रेट माई ऑनलाइन सी ए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द कैब की लीगल थिंग्स के, लाइक कैब का लीगल रजिस्ट्रेशन सर कैसे कराना है एक तरह से, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, आपको गुमस्ता लाइसेंस चाहिए, राइट, एक तरह से शॉप एक्ट लाइसेंस या लीगल एंटिटी आपको सेटअप करनी है, तो एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा www.myonlinecea.in। इस वेबसाइट पर जाके एक तरह से आप ईजिली जो है ऑनलाइन जो है एक तरह से अपनी कंपनी है या अपना बिजनेस जो है एक तरह से आप सेटअप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।